नाहन में मौजूद 200 सालों से अधिक पुराने ऐतिहासिक और प्राचीन कालीस्थान तालाब की जल्द ही तस्वीर बदलने जा रही है। अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत तालाब का रखरखाव करने के साथ साथ सौंदर्यकरण किया जाएगा। इस काम पर करीब 21 लाख रुपए का खर्च आएगा। पहले चरण में तालाब में जमी गाद को निकाला जाएगा ताकि पानी को साफ किया जा सके। वहीं नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि ऐतिहासिक कालीस्थान तालाब रियासत कालीन समय का बना हुआ है और वर्तमान में ठीक नहीं है। ऐसे में नगर परिषद द्वारा इसके जीर्णोद्धार के लिए योजना तैयार की गई। शहर में हमारा कालीस्थान तालाब है जो राजा महाराजाओं के टाइम से बना हुआ है और शहर का बहुत ही पुराना एक तालाब है जिसकी हालत काफ़ी दयनीय स्थिति में थी। पिछले काफ़ी समय से हमें कंप्लेंट्स भी मिल रही थी, तो इसको सुधारने का जो ठेका है वो नगर परिषद नाहन ने कर दिया गया है और इसमें जो अमृत 2.0 हमारी स्कीम है उसके अंडर इसका रेनोवेशन किया जाएगा वाटर बॉडी का। इसमें पहले इसकी डिसिल्टिंग की जाएगी और इसकी जो रिटेनिंग वॉल है और जो बाउंड्री वॉल है उसको रिपेयर किया जाएगा जहाँ से ये टूटी हुई है, और जो इसके घाट है उनका भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया जाएगा। उसमें प्लास्टर किया जाएगा, उसमें पेंट किया जाएगा और इसके चारों ओर हम एक पाथ बनाने की ट्राई कर रहे हैं ताकि लोग वहाँ पर घूम सकें और शहर का आनंद ले सकें। इसमें लाइट्स और बेंचेस सारी सुविधाएँ लोगों को दी जाएगी। बता दें ये तालाब पिछले काफी लंबे अरसे से अनदेखी का शिकार हो रहा है। लोग भी लगातार तालाब के जीर्णोद्धार की मांग करते आ रहे थे, लिहाजा तालाब को सुधारने के लिए नगर परिषद ने एक विस्तृत योजना भी अब तैयार की है। नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।